हमारा मेकअप हो चुका है और अब हमारा डांस करने का प्रोग्राम। मेरी चली ससुराल देखो अखियों में पानी दे गई तुम्हारे मीठी आ गई। कोई आजकल रोता है ये गाने। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात है दिल में दबा के रखना, चेहरा सजा के रखना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और पीछे ये देखें कि मोबाइल पे क्या कहते हैं, मोबाइल पे किसकी स्टोरी, किसी यूट्यूबर की स्टोरी जो है वो लगा के बैठी हुई है और देख रहे हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन इसको कोई होश नहीं है। सो व्यूवर्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे दो दो वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। प्लीज़ 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 मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और बहुत ज़्यादा आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। आप लोग तो मुझे बिल्कुल भी, मतलब कि जब तक मैं शेयरिंग नहीं करती आप लोग तो वॉच करते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को मेरा जो बिया मरी का चैनल है वो आपको मेरे यूट्यूब सर्चिंग करने से मिल जाएगा। तो मेरे चैनल का जो नेम है वो है बिया मरी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मुझे किसी ने ये कहा था कि आप वायरलेस माइक ले लें। मैंने हर चीज़ करके देखी है, आवाज़ फिर भी ऊंचा बोलना पड़ता है। जब तक आप ऊंचा नहीं बोलोगे तो लोगों तक, आवाम तक आपकी जो बात है ना वो पहुँचेगी ही नहीं। खैर, तो आज मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। असल में मैं ना जब ईद के दिनों में ना चेज़ वैल्यू गई हूँ ना, तो वहाँ पे मैं जूता ख़रीदने गई थी। तो वहाँ लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ आप हमें ना मेकअप से रिलेटेड भी वीडियो बनाना सिखाएं। हालांकि मैं पहले सिखा चुकी हूँ लेकिन लोगों को ये होता है कि वो नए से नए मेरी लुक देखें और जो मैं नया नया लोगों को ना मेकअप सिखाऊँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लाइव भी लोगों ने बोला है और मुझे क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी वीडियो है वो ज़्यादा लड़के ही देखते हैं, लेकिन लड़कों के लिए तो ख़ास नहीं है वीडियो, लेकिन वो लोग भी मेरी इस वीडियो को वॉच करके मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो दे सकते हैं ना। खैर, हमारी जो है वो बेस वो नीचे गिर गई थी और ये है हुदा वालों की बेस है, ठीक है। और तुम मैडम क्या कर रही हो, कोई काम करवा दो मेरे साथ। I'm very sorry. कोई काम करवा दो आके। देखो इसकी जो वीडियो है वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है, जो इसने बर्फ से रिलेटेड वीडियो बनाई थी ना वो इसकी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि मटर के जितने के बराबर ना आपने अपनी बेस ले लेनी है, ठीक है। और इसके आपने बेस के डॉट डाल लेने, एक तरफ ही ज़्यादा लग गई है और यहीं से जो डॉट है यहाँ से यहाँ लगा लेंगे। यहाँ पे एक तरफ से ज़्यादा लग गई है और शायद मैं बातों में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी जो बेस है ज़्यादा लग गई है। खैर, ऐसी गलतियाँ जो हैं वो इंसान के से होती रहती हैं और इंसान तो गलतियों का पुतला है। सो इग्नोर करें इन चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहा करें। जितने आप लोग हैप्पी रहेंगे ना तो उतना ही जो ग्लो है वो आपके फेस पे आएगा। और असल में ना वो मुझे, वो आप लोग कहेंगे कि आपके पास एक ही टी शर्ट है, तो मेरे पास एक टी शर्ट नहीं है, मेरे पास बहुत सी टी शर्ट्स हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा दिल नहीं करता कि मैं बार बार ना, मतलब कि मैं ना मैं शावर लूँ और मैं दिल करता है वो मैं कपड़े धोए हुए ना मैं वही पहन लूँ। और मैं, मेरा दिल नहीं करता गर्मी में एक तो टी शर्ट्स बदल बदल के ना मेरा बुरा हाल हो जाता है। सो अब मेरा दिल नहीं करता, इसलिए मैं पतली पतली सी जो है ना टी शर्ट्स पहन रही हूँ आजकल ताकि मुझे गर्मी कम लगे। सो अब चलते हैं, पीछे पोनी आपको नज़र आ रही होगी, अपना ये है ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। इसको अब बेस को आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। तुम उसे कोई मेकअप सिखा रही थी? यस।
तो सिखा दो आगे। वो नूड में, नूड मेकअप है लड़कियों के लिए, और दूसरा था पार्टी मेकअप। ऊंचा बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही व्यूवर्स को। पार्टी मेकअप विद विंकी आईज। विंकी आईज बना दो मेरी आके, फिर मुझे नहीं आती बनानी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी पार्ट मेकअप ऑन योर फेस। क्या विंकिंग आईज? तो आईज का ही मेकअप करने लगी हूँ, तो मेरी आईज का तो कर दो मेकअप। ये देखें, ये मेरी इतनी स्मूथ बेस है, ये मैं शुरू से ही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे फेस पे, एक तो देखें, एक तो मेरे फेस पे ये तो मर्ज हो जाती है, दूसरा ये है कि ये मेरे कलर के साथ बहुत ज़्यादा मैच है। ठीक है, मेरा अब ये नेक का कलर और जो फेस का कलर है, दोनों जो कलर हैं वो आप लोगों को इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल आटे जैसी बेस जो है वो ख़रीद लेते हैं, तो कहते हैं हमारा कलर जो है वो, हमारा जो है वो नेक और उनकी जो गर्दन है ना, ये और फेस वो अलग ही अलग लग रहा होता है कि जैसे ये अलग हिस्सा है और ये अलग हिस्सा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बेस हमेशा अपने चेहरे के हिसाब से लें, अपने फेस के टोन के हिसाब से लें। अगर आप लोगों का वाइट कलर है, फेयर कलर है, तो फिर आप 01 वाली बेस लें। ठीक है, सॉरी 02। अगर तो आपका कलर डल है तो आप लोगों ने डल के हिसाब से ही बेस लेनी है। मुझे उसका कोड नहीं याद, तो क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं की डल वाली बेस, तो आप लोगों ने अपनी चेहरे के हिसाब से ही डल कलर की ही बेस लेनी है। और आजकल मैंने सुना है कि डल कलर की डिमांड है, असी फिर तो पे ही ना बैठ जाइए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बैठ जाए, बैठ जाए। शर्ट देखो कितनी लूज हो गई है। सो आपको इतना बताऊं कि मैंने 15 डेज में, ओनली 50 डेज में मैंने एग डाइट की है। और आप पूछेंगे कि एग डाइट क्या होती है, कि मैंने सिर्फ एग खाए हैं। ठीक है, और गर्मी भी देखे, मैंने एग डाइट की है और इतनी गर्मी में मैंने जो है वनडे खाए हैं। सो और उसके बाद मैंने एप्पल, और एप्पल के अलावा बस पानी। ठीक है, और आगे जो मेरी डाइट है ना, पता कौन सी है आगे मैं करने वाली हूँ? वाटर डाइट। सिर्फ पानी पे रहूँगी मैं बस जिंदा। तो फिर मछली बन जाओ। पता नहीं मैं क्या बनूंगी। नई नई बातें सीखने को मिलती हैं जिम से, कि मतलब कि आपकी शादी होने वाली है ना, अब इतने पागल हो गए, अब जल्दी से जल्दी जो है वो आप स्मार्ट दिखें लोगों को, अपने दूल्हे को। लोगों को क्या दिखाना होता है, दूल्हे के लिए करना होता है सब कुछ। तो वो कह रहे हैं वाटर वाटर को तो ट्रक पसंद है। वाटर बेस, वाटर करें आप डाइट, वाटर डाइट। दूल्हे को क्यों ट्रक पसंद है? He is like drugs. तो बेस हमारी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, ब्लश लगा लेते हैं। मैं नया लेके आई थी, मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया, और जिससे तो मुझे डांट रही थी कि तुम तो यूज भी कर रहे हैं या नहीं, मैंने किया ही नहीं। सो ब्लश आप अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मैं मस्कारे जितने भी लेके आई हूँ सच्ची, तो इस जो मस्कारे के, इस मस्कारे के आगे ना कोई मस्कारा अच्छा नहीं, मैं सच्ची कह रही हूँ। तो ये हम लगा लेंगे अपना ये रिवाज वालों का ब्लश ऑन। ठीक है, और ये अप्लाई करते हैं। मुझे बहुत पसंद है ब्लश ऑन, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इसको बार बार के लगाएंगे, मैं बाद में ये ना जोकर लग रही हूँ। हाँ, तो ये हमारा चैलेंजिंग मेकअप है। ठीक है, देखते हैं कौन प्यारा लगता है। मैंने तो ब्लश लगा लिया है, लिपस्टिक लगाऊंगी और मस्कारा लगाऊंगी, बस ओनली बस। मैं इतनी गर्मी में ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी अच्छे से। अब क्या करते हैं, मस्कारा लगा लेते हैं। पर मैं अपनी वीडियो अभी डालूंगी, तुम अपनी वीडियो बाद में डालोगी। चैलेंजिंग वीडियो हो रही है, इस तरह वीडियो का जो कंटेंट है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो डिसाइड ना कर पाए। एक व्यूअर ने कहा था कि आप लॉन्ग वीडियो बनाएं, और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप कंपैरिजन जरूर करें कि कौन ज्यादा प्यारा लगे। मैं नहीं चाहती ऐसा कि आप मेरे आगे, मेरे मुकाबले में आके खड़ी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिया मलक ही रहे, खूबसूरती उसी की। बेस लग गई है मेरे मुंह पे,
सो गाइज, हम लोग के यहाँ जो है मस्कारा भी लग चुका है और जो है वो भी फेस पाउडर भी लग नहीं लगाया मैंने अभी फेस पाउडर नहीं लगाया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई। खैर लिपस्टिक लगाते हैं, मैं बिल्कुल नो। सो हमारा चेहरा है चैलेंजिंग मेकअप, ठीक है, मैं करने वाली फटाफट से मेकअप और हमारा चैलेंजिंग मेकअप कर रहा है। ये पता चलेगा कौन सबसे पहले मेकअप करता है, मैं करती हूँ या बिया। तो मैं तो फटाफट 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 मैंने कर भी लिया, कर रही हूँ इवन के मैंने लेट ज्वाइन किया देना वो ब्यूटी ब्लेंडर। हाँ तो भी माई मुर्गी बन रही हुई हो, मैं तो फटाफट क्या कहते हैं, मैं जाती हूँ मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा डालूं ज्यादा से ज्यादा ताकि मुझे देखा जाए। अब हमारा जो है वो फेस पाउडर भी लगे, अब कहेंगे बालों को क्या किया है बालों गर्मी बहुत है, बाल खराब हो रहे हैं और आप लोगों ने बताना है कि बालों के लिए क्या इस्तेमाल करूँ, बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं गाइस, बालों का कोई हाल नहीं है। आज मैं इकरार कर दिया, आज मैं खुलेआम इकरार कर दिया कि बालों का कोई हाल नहीं, बाल जो है वो एक तो दोम हुए हो रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये है कि और जब गाइस आपका मुकाबला चल रहा हो गर्मी बहुत है, कोई जरूरत नहीं है ब्रश लेने की, इंजन करके खंचला दो ऐ की करो, मुकाबला चलन दिया ना फटाफट मुझे मेकअप करना, तो मैं ना बस ये देखें अभी मैं अपनी आंखें से जा लेती हूं। ये क्या हो रहा है, ये इस तरह करते हैं मेकअप, देखने वाला डर जाए। किसने सबसे पहले मेकअप किया, ब्लैंक फ्लोर मेकअप है, मेरा तो हो चुका है, मेरा बस हेयर स्टाइल रह गया है। हां तो तेरे पे मैं सारा मेकअप करके मेरा देखेंगे फिर, मैं दिल कर रहा है आज मेकअप ना हुआ तो तू मैं जीरो नंबर ले, मैंने कर लिया हुआ है आई मेकअप, देखेंगे देखेंगे आई मेकअप कर लिया हुआ है, मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही हूं, तुम्हारे तुम्हें भी हेयर स्टाइलिंग में जरा टाइम लगेगा। नहीं मेरी स्टाइलिंग हो गई है। कैसे जी, मैंने स्टाइलिंग कर दी है। तो गाइस आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे ना अच्छा सा स्टाइल बनाऊँ क्योंकि बहुत बोरिंग हो गया है एक ही स्टाइल बना बना के, तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा सा बनाऊँ। मेरा तो मेकअप ही उतर रहा है यार, गर्मी इतनी है तो एसी भी नहीं चला सकते क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार। आपको कितना आया बिल बाजी, हमें तो हमें तो इस दफा इतना ज्यादा बिल आया कि हमने अब एसी चलाना ही नहीं है, हम नहीं चला रहे भाई एसी, एंड वाले दिन इतने मुश्किल से फिर गुजरते हैं ना कि आई एम सो प्रिटी यार, मुझे इतना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है ये वाला, सूट कर रहा है, यहाँ पे पोनी 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 भी नहीं है, पिन लगा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा तो मेकअप हो चुका पिन देना, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने मेकअप से बिकॉज मैंने हल्का मुल्का सा मेकअप किया है और ये पता नहीं क्या बन रही है और मुझे नहीं पता लेकिन मैंने बहुत मेकअप किया और मैं ना अब ज़ारा की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी भर भर के। ज़ारा की लिपस्टिक क्या मतलब, ये लिपस्टिक मेरी नानी की दादी की पटानी की पटानी की पटाखों पर पढ़ पढ़ नानी की थी और उन्होंने ज़ारा से ऑर्डर की थी। अच्छा हमें नहीं पता था कि उन्होंने पर नानी से ऑर्डर की है। वैसे बाय द वे आपकी मूछें आई हुई हैं है? इतनी ज़्यादा लिपस्टिक लगा आप फिल्टर नहीं आपने लगाया अपने फेस पे है, फिल्टर नहीं लगाया और वैसे भी आपकी मूछें आई हुई हैं, मूछें तो उतार ही नहीं है, मुझे तारोगे तो मेकअप का पता चलेगा। गाइस मैं इसको इरिटेट कर रही हूँ ताकि मैं जीत जाऊँ और ये हार जाए है, वैसे मेरे आगे तो तुम जीरो लगो, जीरो जीरो जीरो, तू मेरा हीरो है मैं तेरी विलन हूँ, मेरे कल्स के आगे कोई हीरो नहीं बन सकता, मेरा हीरो नंबर वन, मेरे कर्ल्स हैं ये तुम्हारे रूखे सूखे कर्ल्स, आई डोंट केयर, ये मेरे कर्ल्स हैं, ये मेरे कर्ल्स हैं। सो मैंने मेकअप किया है ओनली ऑन 5 मिनट से और मैंने भी 5 मिनट में किया है, आप देख रहे हो मैंने हेयर स्टाइल भी बनाया है, ये देखो और मैंने भी बनाया है जी नहीं। और तो गाइज मैं जीत चुकी हूँ या हार चुकी है, मैं थंबनेल बनाने लगी हूँ, मैं तुम हार गई गाइज, यहाँ पे मैं किसी की नकल करूँ
गाइस आपने रबीका को और स्नैन को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। आप क्या कहेंगी इस बारे में? हाँ? बिरयानी बिरयानी है गाइस।